श्री राधे राधे। भक्तों, श्री वृंदावन धाम में राधा रानी का बहुत ही मुख्य स्थान है। उनकी कृपा से ही जीव यहाँ पर निवास कर पाता है। प्रिया जी, किशोरी जी, जो भी आप कहिए, कई लोग प्रिया जी कहते हैं, कई लोग किशोरी जी कहते हैं, कई लोग राधा रानी बोलते हैं, राशेश्वरी बोलते हैं। ये वास्तव में वृंदावनधीश्वरी हैं, वृंदावनाधीश्वरी। यही जिसको अपने धाम में बसाती हैं वही रह पाता है, क्योंकि संपूर्ण प्रेम की आह्लादिनी जो शक्ति है वो यही है। कन्हैया का प्रेम यहीं से मिलता है। कन्हैया भी स्वयं राधा रानी के रूप हैं, फिर भी दो रूप धारण करके प्रेम का रसास्वादन करते हैं। अनंत लीलाएं हैं इनकी, भक्त लोग अनुभव करते हैं। और कहते हैं कि एक बार इनका नाम प्रेम से कोई बोलता है तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रेम विभोर हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं, मेरे प्रिया जी का नाम बड़े भाव से कोई गा रहा है, चलो इसके पीछे चलें। जब तक कोई राधा 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 प्रेम से पुकारता है तो प्रभु उसके पीछे चल चल करके उसका प्रेम भरी हुई पुकार का अद्भुत जो उच्चारण होता है राधा नाम का, उसको सुनते रहते हैं। कल राधाष्टमी है, महामहिमा मई प्रेम स्वरूपा राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उनके एक भक्त की कथा कहने जा रहा हूं। इन बाबा का नाम, संत का नाम जगदीश दास था। आपको मैंने सुनाया था गौरांग दास जी की चरितावली। वो महान गौरांग दास जी जो पंडित बाबा की सेवा में भी रहे, वो महान गौरांग दास बाबा जिनकी कथा में देवताओं ने पुष्प वृष्टि की थी और जिनकी समाधि की आज भी लोग पूजा करते हैं वृंदावन में, वो सबसे अधिक जगदीश दास बाबा की सेवा में रहे। उन्हीं जगदीश दास बाबा की चरितावली आप सुनने जा रहे हैं। महाराज जी, जगदीश दास बाबा पहले डॉक्टर थे और वर्धमान के कुलीन ब्राह्मण वंश में इनका जन्म हुआ था। वर्धमान जो बंगाल में है, वहीं निकट में कालना नाम की एक जगह, वहां पर वे प्रैक्टिस करते थे। बड़ा दीर्घकाय गौर वर्ण का शरीर था इनका और कालना के सिद्ध भगवान दास बाबा महाराज से दीक्षा लिया था इन्होंने और 50 वर्ष की अवस्था में संसार त्याग कर वृंदावन चले आए थे। वृंदावन के मदन मोहन मंदिर में कुछ दिन तक रहे। कुछ दिन बाद फिर कालीदह के पास एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे। जगदीश दास बाबा बड़े वैराग्य से रहते थे, मधुकरी द्वारा ही जीवन निर्वाह करते थे और भजन के आवेश में रहते थे। वैराग्य इतना था कि क्षौर कार्य के लिए भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते थे। एक कैंची लेकर के अपने हाथ से दाढ़ी बाल सब काट लिया करते थे। उनको कोई ये तो दिखाना नहीं था कि बहुत सुंदर स्वरूप है मेरा, तो वो जैसा ही बनता था वैसे ही अपने हाथ से ही काट लेते थे महाराज। और वृद्ध थे जब कालीदह के पास रहते थे, बहुत ही नाम मात्र का एक वस्त्र पहनते थे, हल्का सा छोटा सा, गले में तुलसी कंठी, हाथ में जबकि माला शोभा पाती थी। गौरकांत थी शरीर की, राधा का नाम गूंजता रहता था इनके मुंह पर और इन्हीं के चरणों में बैठे रहते थे गौरांग दास बाबा।
एक बार गौरांगदास बाबा को ही दिखा करके जगदीश दास बाबा बोले, देख रे गोपाल, गोपाल कहते थे वो गौरांगदास बाबा को, देख रे गोपाल लाल जी की कैसी शोभा हो रही, दोनों भैया झूमते झामते कैसे चले आ रहे हैं, गायों की खुरों से उड़े रज कणल, कावलियों पर कैसे शोभायमान है, रंग बिरंगे फूलों के आभूषण और उनके गौर नीलंगों पर कैसे अच्छे लग रहे हैं। जब इस तरह से वो बड़े प्रेम विभोर होकर के जगदीश दास बाबा बोल रहे थे, तो गौरांग दास बाबा उस समय 21-22 साल के ही थे, नया वैराग्य था। तो गौरांग दास बाबा बोले कि मेरे ऐसे भाग्य कहाँ बाबा जो मैं देख सकूं। तो बाबा ने बड़े स्नेह से नवयुवक गौरांग दास के गाल पर एक चाटा मारते हुए, धीरे से चाटा मारते हुए कहा, दिखेगा तुझे, तुझे दिखेगा, जा मैंने कह दिया तुझे दिखेगा। महाराज वो भाग्यशाली गौरांग दास थे जिनको जगदीश दास बाबा का यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। महाराज बहुत ही महान संत थे जगदीश दास बाबा। अब आप यही समझ लीजिए कि गौरांग दास बाबा इनकी सेवा में अर्पित कर चुके थे अपने को, इसी से आप अंदाज लगा लीजिए। और गौरांग दास बाबा मामूली नहीं थे, उनका चरित्र तो आप सुन चुके हैं। ये एक बहुत बड़े जमींदार भूपेन्द्रनाथ चक्रवर्ती के पुत्र थे, मैं सुना चुका हूं उनका चरित्र, इसलिए अब उनका नहीं इस समय मैं सुनाऊंगा, आप अभी जगदीश दास बाबा का ही श्रवण करिए, बड़े भाव से श्रवण करिए। साधारणतया जगदीश दास बाबा सबको हरिनाम जप और वैधि भक्ति का उपदेश करते थे, लेकिन गौरांग दास बाबा को उन्होंने रागानुगा भक्ति का उपदेश किया था, क्योंकि उनको पता था कि ये इसी के पात्र हैं। जगदीश दास बाबा लीला स्मरण में थोड़ी सी बाधा कभी आती थी तो बस प्रेम विभोर हो करके वो आर्तनाद करते थे, राधा 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 बोलते थे जोर से चिल्लाकर, और भक्तों वृंदावन की परिक्रमा में लौटते थे, धीरे से उंगली से उठा के रज नहीं लगाते थे, लौटते थे और उसके बाद फिर ध्यान में बैठते थे तो कहते थे कि आप ध्यान लगा। महाराज श्रद्धा कितनी बड़ी थी, उनका यह कहना था कि श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा में बड़े बड़े सिद्ध पुरुष चलते रहते हैं, बड़े बड़े महान भक्त चलते रहते हैं, उनकी रज परिक्रमा में पड़ी रहती है, उसमें लौटने से सब दोषों का शमन हो जाता है और जो भी कुछ बाधा रहती सब टल जाती, फिर से भगवान का ध्यान होने लग जाता है। महाराज कभी कभी इतना विरह व्याप्ता था बाबा को कि गौरांग दास बाबा को कहते थे कि मुझे धक्का दे करके गिरा दे किसी कुएं में। अब गौरांग दास बाबा इस आज्ञा का पालन कैसे करते, तो समझ गए कि बाबा को विरह इस समय सता रहा। ऐसे में जाकर के वो यमुना जी में कूदते, कभी परिक्रमा में लौटते, फिर उनको शांति मिलती थी। और इतना ज्यादा उनको ध्यान रहता था, इतने सिद्ध पुरुष थे कि एक दास, एक बार की बात है, महाराज जो गौरांग दास बाबा थे वो गोवर्धन परिक्रमा में उद्धव कुंड की सीढ़ी पर लेट गए और थोड़ी देर में आंख लग गई, यदि करवट बदलते तो सीढ़ियों से लगते हुए कुंड में ही जा गिरते वो। फिर उनको किसी व्यक्ति ने गोद में उठा करके ऐसे स्थान पर लिटा दिया जो सुरक्षित था और उस समय उनकी निद्रा भंग हुई, उनको लगा कि किसी ने उठा करके मुझे दूसरी जगह लिटाया, लेकिन चारों तरफ घूम करके देखा तो कोई भी व्यक्ति नहीं था, वे चकित रह गए।
और जब गोवर्धन से वो वृंदावन आए और वृंदावन में आकर के जगदीश दास बाबा के चरणों में दंडवत किया जाकर, तो वे नाराज हुए और डांट कर बोले, मूर्ख की तरह जहां तहां सो जाता है, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं कि कहां लेटना चाहिए कहां नहीं। वे समझ गए कि उन्होंने ही उनको उद्धव कुंड पर सीढ़ी से उठाकर दूसरी जगह लिटाया था। उनका हृदय भर आया और नेत्रों में आंसू टपकने लगे। उन्होंने समझ लिया कि किस प्रकार गुरुदेव छाया की तरह शिष्य के साथ रहकर कठिन परिस्थितियों में भी उनकी रक्षा करते हैं। ऐसी कृपा भरी उनकी लीला थी कि शिष्यों को इस तरह से संभालते थे बाबा। विरक्त शिष्यों पर बहुत ध्यान रहता था उनका और कहते थे कि विरक्त शिष्यों को संभालेंगे नहीं तो ये बेचारे आगे कैसे बढ़ पाएंगे। उनका कहना था कि विरक्त शिष्य जो होते हैं सर्वत्यागी होते हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं रहता, न परिवार, न कोई वस्तु, न धन, तो उनको तो संभालना जरूरी है। वो बोलते थे कि मैं जगदीश दास हूँ, जगदीश वाला कार्य मुझे जगदीश ने दिया है, अर्थात संभालने का, सेवा संभालने का। तो कहते थे राधा रानी सब कुछ करती हैं, मुझको तो निमित्त बनाती हैं। बाबा भावों का बहुत ध्यान देते थे कि किसी के अंदर कोई भाव हो भक्ति का तो मेरे द्वारा उसका तिरस्कार न हो जाए, बहुत संभाल करके व्यवहार करते थे, बड़ी रक्षा करते थे भाव की। बाबा जब किसी के द्वारा किसी की निंदा सुनते थे तो उसको कहते थे, भैया तुम्हारे में क्या कोई भी अवगुण नहीं है, तुम किसी के अवगुणों को क्यों देखते हो, किसी की बुराई क्यों करते रहते हो, सदा लीला रस में निमग्न रहते थे, संसार के व्यवहार में ज्यादा उनका ध्यान नहीं होता था। एक बार किसी ने भंडारा करने को बोला तो भंडारा के लिए जब गुड़ उन्होंने मंगा करके रखा एक बोरी भर करके कुटिया में, तो दरवाजा नहीं बंद था तो बंदर खूब जा करके सारा गुड़ ले ले लेके भागते रहे, खाते रहे, भागते रहे, खाते रहे, पूरा गुड़ खा डाले। कई घंटे तक मौका उनको मिल गया तो लोगों को उन्होंने कहा कि भंडारे को प्रसाद चाहिए तो जाओ गुड़ फैला हुआ कुटिया में वो खा लो, सबको गुड़ खिला दिया, बोले हो गया भंडारा। बंदर रूपधारी सखा सब आए खा करके चले गए। उनको भगवान की लीला रस चिंतन में ही आनंद मिलता था, व्यवहार में ज्यादा नहीं जाते थे। हाँ जरूर इस बात का ध्यान देते थे कि किसी को दुख न हो जाए। उनका भाई एक बार आया था जगदीश दास बाबा का, तो उन्हें बताया उस भाई ने कि उसकी स्त्री का देहांत हो गया। तब अपने सहज स्वभाव बस बाबा बोल पड़े, चलो अच्छा हुआ संसार बंधन से तुम्हें मुक्ति मिली, अब आ जाओ दोनों भाई साथ साथ भजन किया करेंगे। और भाई जब चला गया तब बाबा को ध्यान हुआ कि मैंने क्या बोल दिया, उसको बुरा लगा होगा, उसकी पत्नी मर गई, मैंने कह दिया चला अच्छा हो गया संसार बंधन से मुक्ति मिली, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, उसको कष्ट हुआ होगा, ये सब बाबा सोचते रहे। फिर एक वकील था, उसको बाबा ने कहा तुम पत्र लिख करके उसको बताओ कि उसको मेरी बात से कष्ट हो गया होगा, उसको कह दो कि मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए ऐसा बोला। तो बाद में वकील ने फिर बताया बाबा को कि आपकी बात से कष्ट नहीं हुआ बाबा, आप परेशान मत होइए। इतना ध्यान देते थे बाबा कि मेरी बात से किसी को कष्ट न हो जाए। बाबा के मन में एक बार एक छोटा सा निर्माण करने का हुआ विचार। अब वो निर्माण कार्य जब शुरू किया तो बाबा ने फिर कहा कि नहीं नहीं करना, फिर उस पैसे से उन्होंने कुछ परमार्थ का कार्य कर दिया। लोगों ने कहा कि बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं, बोले भैया वो निर्माण कार्य मेरे स्वार्थ का था,
मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरा धन तो ठाकुर जी की सेवा के लिए, मैं धन रखता ही कब हूं? पता नहीं कहां से बुद्धि में दोष उत्पन्न हो गया था, इसलिए मैं कोई निर्माण नहीं करूंगा। इतने विरक्त थे बाबा। जगदीश दास बाबा महाप्रभु का जो वचन है ना, त्रिणादप सुनिचन तरोरु सही सुना अमानी ना मान देना कीर्तनी ये सदाहरी, बिल्कुल इस श्लोक के साक्षात मूर्ति थे बाबा जगदीश दास। उनसे कोई पूछता कि प्रेम भक्ति लाभ करने का सबसे बढ़िया साधन और अचूक उपाय क्या है, तो वे कहते कि जो इस श्लोक के सांचे में अपने जीवन को ढालने में जितना समर्थ हो जाएगा, अर्थात जो जितना अपने को तिनके से भी छोटा मानेगा, वृक्ष से भी अधिक सहनशील मानेगा और स्वयं को सम्मान की अभिलाषा न रखते हुए दूसरों को सम्मान देने की पूरी कोशिश करेगा और निरंतर हरि नाम कीर्तन में लगा रहेगा, उसी के जीवन में संपूर्ण भक्ति की प्राप्ति होगी, वो उतना ही अधिक प्रेम भक्ति के निकट होगा। और जिस दिन वो पूर्ण रूप से अपने आप को इस सांचे में ढाल लेगा, उस दिन निश्चित रूप से प्रेम भक्ति प्राप्त कर लेगा। बाबा का यही कहना था कि जो तुम वास्तव में प्रेम भक्ति चाहते हो तो अपने को तिनके से भी छोटा मानो, तृणादप सुनीचे न तरोरि सही सुना, वृक्ष से भी ज्यादा अपने को सहनशील बनाओ यदि वास्तव में भक्ति चाहते हो तो। और अमानिना मान देन, कभी भी सम्मान की जरा सी भी इच्छा मत करो और दूसरे को सम्मान दो और निरंतर प्रभु का नाम अभ्यास में लाओ, भगवान के नाम की साधना जारी रखो। उनका जीवन भी वास्तव में इसी प्रकार का था, कोई भी वासना उनके स्थान उसके उनके अंदर स्थान नहीं पाती थी। और एक बार बाबा ने कहा था कि तुम्हारे हृदय में जब प्रेम भक्ति के सिवा किसी भी वस्तु की चाह नहीं रहेगी, तब तुम प्रेम भक्ति का लाभ प्राप्त कर सकोगे, अर्थात सारी वासनाओं से मुक्ति जब हो जाएगी तब ये धन प्राप्त होगा। भक्तों, जगदीश दास बाबा लगभग 100 वर्ष के हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं जब यहां से प्रस्थान करूंगा भगवान के धाम के लिए, तो मेरा जो शिष्य गौरांग दास है ये दुखी हो जाएगा, इसलिए इसको पहले हटा दूंगा। तो बाबा उस समय आने के पहले ही गौरांग दास को बोले कि जाओ तुम बरसाना चले जाओ, और बरसाना में जो वृषभान कुंड है और उसके चारों तरफ के घाट जो हैं, बस उस पर झाड़ू बुहारू किया करो, वहां सखियां आती हैं स्नान करने के लिए, संत लोग आते हैं स्नान करने के लिए, वहां परिष्कार करो, वहीं सफाई करो, यही तुम्हारी सेवा। तो बाबा जब जाने लगे गौरांग दास जी, तो जगदीश दास बाबा ने कहा मेरी 3 बात याद रखना, जीवन में कभी किसी के आगे हाथ न पसारना, अर्थात मांगने की बात सोचना नहीं, मांगना साधु के लिए नहीं ठीक होता है, निष्काम रहना चाहिए साधु को, संतुष्ट रहना चाहिए, जो ठाकुर जी बिन मांगे दे दें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। कभी भी साधु को कोई भी कामना नहीं करनी चाहिए, प्रभु ने जो दिया उसमें पूर्ण संतुष्ट रहना चाहिए, एक बात तो ये। कभी किसी के हाथ नहीं पसारना अर्थात मांगना नहीं, और किसी को भी अपने हृदय की बात भक्ति की मत बताना, भक्ति के मर्म को अंदर रखना सीखो, उसको खोलना नहीं चाहिए। और फिर तीसरी बात बाबा ने कहा साधु वैष्णव की पंगत में बैठ करके प्रसाद नहीं पाना, रूखा सूखा अपना अलग बैठ करके ठाकुर जी को ध्यान करते हुए पाओ, और ध्यान करते हुए पाने के लिए तुम पंगत में रहोगे तो नहीं बन पाएगा, अकेले में बनेगा।
महाराज गौरांग दास जी बरसाना में जाकर के नियम के अनुसार वृषभानु कुंड की सेवा, झाड़ू बुहारू की सफाई की करने लगे। और कुछ दिन पश्चात उन्होंने जगदीश दास बाबा का ज्योतिर्मय रूप देखा था, तब वो समझ पाए कि बाबा भगवत धाम चले गए। और वो बाबा के आशीर्वाद से भक्ति में बहुत आगे बढ़े। ऐसे महान थे जगदीश दास बाबा, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।